एक मिनट यहाँ खोल के देखते हो भैया। अरे इन्हें इधर करो ना, वो आ रहा है। दो एक का अंगूठी भी है, दो तीन की। अब गोल्ड है या नहीं है ये तो वहाँ से पता करके बताएंगे हम लोग। क्या अरे खोलने से वो तो दिख रहा है यार, किसी का होगा तो चला जाएगा। देखिए सौभाग्य कह लो दुर्भाग्य कह लो, आज हमारे यहाँ दो घटनाएं एक साथ हुई हैं। तो पहले मैं अच्छी वाली घटना बताता हूँ आपको। हमारे रविंद्र चार चौकी इंचार्ज हैं सोलो गेट के, आज उनके वहाँ पे किसी का उनके चौकी के सामने किसी के थैला गिर गया था। उसमें चार अंगूठियाँ सोने की हैं और 14 आइटम चांदी के हैं। किसी गाँव वाले का हो गया हमें लग रहा है, तो उन्होंने उसको लेकर के सबको बताया है, सारे स्वर्णकारों को, मीडिया को, हमको भी इन्फॉर्मेशन दिया कैसा हुआ है, और सबको बता रहे हैं कि जिसका हो ले जाए। तो एक अच्छी खबर है ये, विश्वसनीयता बढ़ाने वाली। इस पर मैंने उनकी इस ईमानदारी कार्रवाई पर हमने उनको 5,000 रुपये का पुरस्कार देने का घोषणा किया है और सम्मान भी कराएंगे। तौसिफ जो आपको जो थैला मिला है वो कहाँ मिला था और किस तरह से मिला? जी वहाँ पर दुकान पर पड़ा हुआ था, कोई व्यक्ति लेके जा रहा था, उसको जो झोला नीचे गिर गया था, दुकान के सामने पड़ा हुआ था। एक बच्चा आया, वो लेके जा रहा था, तो हमने छीना उसके हाथ से, तो हमने अपनी दुकान पर रखा एक रात, एक दिन रखा पूरा। उसके बाद हमने सोचा कोई आया व्यक्ति हम उसको दे दें। हमने इन्फॉर्मेशन भी दी थी और हमने इन्फॉर्मेशन भी दी थी ज्वेलर वाले के पास, और हमने जहाँ से ये चीज़ बनी है हमने उसके पास कॉल भी करी है। उन्होंने ये किया था रख लो अपने पास, हमारे पास सुबह शाम तक नीरे आते हैं, हमें कोई ध्यान नहीं लेके बनवा के गया हमारे पास। थैला में क्या क्या है? उसमें अंगूठी थी, चांदी की पायल थी, एक मंगलसूत्र है, इसमें जो चीज़ पाई गई है जो कुछ है वो हमने ला के दे दी। जो चीज़ ही हमने दरोगा साहब को हमने ला के चौकी में पेश कर दिया।